इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, हिरासत में विभव कुमार। अब तक की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में विभव कुमार को ले लिया है। स्वाति मालीवाल ने पिटाई के आरोप लगाए थे और देखिए एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पंजाब पहुंचा था विभव कुमार, दिल्ली में नहीं मिला पुलिस की टीम को। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दे, विभव कुमार को दिल्ली की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब आगे की पूछताछ होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, क्या जानकारी आपके पास, विभव कुमार आखिरकार पुलिस की हिरासत में है? देखिए बिल्कुल, विभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस अब से कुछ ही देर पहले जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, कुछ इनपुट थे दिल्ली पुलिस के पास में और उनको ये जानकारी थी कि विभव जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद है और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस पहुंचती है। और फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी वो जो है निकल गई है सीएम आवास से और पिछले गेट पर जो है विभव को जो है ले जाया गया है। ये जो है बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइन थाने जो है विभव को ले जाया जाएगा और हो सकता है कि मेडिकल भी जो है विभव का जो है कराया जाए और उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो जो है कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आएगी। ऑफिशियल जो अरेस्टिंग है वो भी जो है बाद में जो है दिखाई जाएगी, लेकिन फिलहाल दो गाड़ियां जो है अरविंद केजरीवाल की आवाज पर पहुंचती हुई पिछले एक से दो घंटे में जो है नजर आई थी। पहली राघव चड्ढा जो है वो अरविंद केजरीवाल की आवाज पर पहुंचे थे और एक गाड़ी जो है सीधा अरविंद केजरीवाल की आवाज के अंदर गई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल की आवाज पर पहुंची। और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो है मारपीट का आरोप लगाया था, एक पूरी बकायदा एफआईआर उनके विभव कुमार के ऊपर दर्ज होती हुई नजर आई थी, तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में विभव कुमार को जो है ले लिया है। मुश्किलें विभव कुमार की बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो कह रही है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, तमाम सीसीटीवी जो है आम आदमी पार्टी जारी करती हुई जो है नजर आ रही है इसके एवज में, लेकिन फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है और पुलिसिया कार्रवाई के तहत जो दिल्ली पुलिस है उसने विभव कुमार को हिरासत में लिया है। स्पष्ट, और क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही, क्या विभव ने खुद ही सरेंडर किया, क्योंकि पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और आखिरकार दिल्ली से ही उसे हिरासत में लिया गया है? देखिए खुद सरेंडर नहीं है ये जो है होता हुआ जो है नजर आ सकता है, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि दो गाड़ियां जो है पहुंचती थी जो है अरविंद केजरीवाल के आवाज पर नजर आई थी और एक मुख्य इनपुट था जो है जो दिल्ली पुलिस है उनके पास में कि जो विभव कुमार है वो खुद अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है और उसी के आधार पर जो दिल्ली पुलिस है वो खुद जो है जो अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचते हुए जो है नजर आई थी। दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करें या फिर कोई भी कार्यप्रणाली की बात करते हैं हम, जो सीएम रेजिडेंस है उसके आसपास सीआईडी भी देखने को मिलती हुई नजर आती है, ऐसे में लगातार इनपुट देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। जैसे ही ये जानकारी दिल्ली पुलिस को सूत्रों से मिली कि विभव कुमार सीएम आवास के अंदर मौजूद है तो तुरंत दिल्ली पुलिस जो है पहुंचती है सिविल लाइन आवास पर जो है अरविंद केजरीवाल के और तुरंत दिल्ली पुलिस अंदर जाती है, मुख्य गेट से अंदर जाती है, जो बैक गेट है अरविंद केजरीवाल के आवास का वहां से दिल्ली पुलिस की जो टीम है निकल जाती है। यानी अरविंद जो विभव कुमार है उनको सीएम आवास के अंदर से जो है हिरासत में ले लिया गया है। अब जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस जो है करती है। स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहेगा। स्पर्श, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, हिरासत में विभव कुमार को ले लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में लिया है। तो सबसे बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की, स्वाति मालीवाल मारपीट केस में ये कार्रवाई हुई है, हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल के निज सचिव विभव कुमार है। स्वाति मालीवाल ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए थे और देखिए कई एक्सक्लूसिव वीडियो INS 24/7 ने आप तक पहुंचाए थे, किस तरीके से बदसलूकी का मामला जो था सीएम आवास के अंदर देखने को मिला था, कुछ तस्वीरें सीएम हाउस के बाहर की भी आपको हमने दिखाई जहां पर स्वाति मालीवाल को पकड़कर गार्ड्स बाहर निकाल रहे थे। और देखिए अब पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है, दिल्ली पुलिस ने आखिरकार पीए विभव कुमार को अपनी हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था, ये कहा था कि उनके पेट में लात मारी गई थी, उन्हें चाटा भी मारा गया था। कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम, प्लीज। हेलो मैडम, प्लीज उठा के
हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज आप मैडम भाई आप ऐसा ना बोले जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी लेट द पुलिस का उसके बाद में बात करूं। तो पुलिस भी तब आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना, नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मत, और चलिए इसी खबर पर स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए। स्पर्श, आज ही मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि उनके चेहरे पर चोट के निशान है, पैर पर चोट के निशान है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें आज स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उनका चूंकि कल मेडिकल परीक्षण कराया गया था और उसके आधार पर ये जानकारी आई है कि उनके चेहरे पर यानी आंख के नीचे और पैर पर जो चोट के निशान है वो आज जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं। प्रूफ यानी जो खरोंच की या फिर नींद की हम बात करते हैं वो स्वाति मालीवाल को जो है पड़ती हुई जो है नजर आई है, ये आज जो है उस मेडिकल रिपोर्ट में आज जो है लिखा है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार वीडियोज आ रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियो आई जो अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम की बताई जा रही थी, उसमें जो घटनाक्रम था वो ये दिखाने की कोशिश की कि स्वाति मालीवाल वहां भी ठीक थी। दूसरी वीडियो जारी की आम आदमी पार्टी ने, उसमें भी ये दिखाने की कोशिश हुई कि जब गेट से बाहर निकल रही है यानी उनको जब गेट से बाहर ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा सुरक्षा कर्मियों द्वारा, तो वो जो है एकदम ठीक हालत में देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में झूठ कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल बोल रही है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जरूर यह जिक्र है कि उनके उनके जो शरीर है उस पर चोट के निशान यानी चेहरे पर और पैर पर चोट के निशान जो है जरूर देखने को जो है मिलते हुए नजर आए। और इस बीच लगातार धरपकड़ पुलिस के द्वारा विभव कुमार को पकड़ने की जो कोशिश है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। तमाम जो आज छानबीन है वो दिल्ली से लेकर पंजाब में देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस को ये भी जानकारी मिल रही थी कि विभव कुमार जो है वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, दिल्ली में ही सीएम आवास में वो थे, तो क्या ये जानकारी पुख्ता हो पाई है? वो सीएम हाउस में ही थे लेकिन गिरफ्तारी में 2 दिन का वक्त लग गया, एफआईआर तो परसों हो गई थी। देखिए विभव कुमार लगातार अनरीचेबल थे और दिल्ली पुलिस भी लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि जो विभव है उसको किस तरीके से पकड़ा जाए। जो मेल किया गया था विभव कुमार के द्वारा उसका जो आईपी एड्रेस है वो निकालने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है कर रही थी। और अब एक बड़ी जानकारी और मैं दे दूं, जो कंप्लेंट विभव कुमार के द्वारा दिल्ली पुलिस के को कराई गई थी स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट में, उसके एवज में एक और मेल जो है विभव कुमार के द्वारा जो है एसएचओ जो सिविल लाइन से उनको किया गया और उसमें लिखा गया है कि वो जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार है। यानी ये विभव कुमार के द्वारा एक फ्रेश जो ईमेल है वो जो है कहा किया गया था जो है सिविल लाइन्स थाने में, तो उसके बाद ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो है देखने को जो माफी देगा। ठीक है, स्पर्श आप नजर बना के रखिएगा। तो देखिए हिरासत में है अब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, सीएम आवास से उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मेडिकल के लिए टीम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। तो मुश्किलें विभव कुमार की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब दिल्ली पुलिस उन पर एक्शन ले सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी आगे हो सकती है। हिरासत में इस वक्त और दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से उन्हें हिरासत में लिया है। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में सपोर्ट चल रहे और हरी कार्रवाई और बस रिपोर्ट अवैध उत्खनन सिचुएशन प्लीज गिव अस 10 मिनट्स लेट अस सी इफ दे लेट अस इन और नॉट प्लीज वी हैव नॉट गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज लॉयर्स वी डोंट हैव वी हैव बीन कॉल्ड टू रीच द साइट वी आर हियर लेट अस एग्जामिनेट प्लीज वी विल बी कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स वी विल वी हैव सेंट देम अ मेल दैट वी विल बी कोऑपरेटिंग बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस सो दिस इज द बिग ब्रेक अपना नाम बता दीजिए करण शर्मा करण शर्मा तो आप सुन रहे थे विभव कुमार
कुमार के वकील को जो ये कह रहे हैं कि विभव कुमार कॉपरेट करने को तैयार हैं। स्वाति मालीवाल ने हालांकि उन पर मारपीट का आरोप लगाए थे, जिसके बाद विभव कुमार ने खुद भी एक FIR दर्ज कराई। और देखिए यहाँ पर उनके वकील के साथ जब प्रेस ने पूछा ये सवाल कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें समय दीजिए थोड़ा, क्योंकि वो खुद भी कॉपरेट करने को तैयार है। सर जाने नहीं दे रहे हैं, हाउ वुड वी नो, लेट अस जस्ट गो इनसाइड सी व्हाट दे गिव अस। सर अरेस्टिंग की तो कोई जानकारी नहीं अभी तक आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हिरासत में है विभव कुमार। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। और देखिए सीएम आवास से उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस बाहर निकल चुके, अस्पताल लेकर जाया जा रहा है उन्हें कॉपरेट करने को। विभव कुमार तैयार है। पूरा मामला दिल्ली की पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, आपकी सांसद है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया था और ये कहा था कि उन्हें लात मारी गई है, चांटा मारा गया, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR के आखिरकार दो दिन के बाद विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, जिनसे अब लगातार आगे पूछताछ भी होगी। फिलहाल उन्हें सीएम आवास से लेकर दिल्ली पुलिस बाहर निकल गई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार विभव कुमार की लोकेशन खंगाली जा रही थी, पंजाब तक टीम पहुंची थी, कहा जा रहा था कि विभव कुमार फिलहाल बाहर हैं। आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी कोई? भाई माइक नीचे करो, वायर टूट जाएगी आपकी। फ्रेम मेरा साउंड दे रहा है, मुख्यमंत्री आज भी साइलेंट है, वो सवाल आ जाता है तो कांपने लगता है। आप देख रहे हैं रेप का, और अखिलेश जी के साथ पहले से ही तय। शारदा पांडे इस खास कार्यक्रम में आज हम रिपोर्ट करेंगे कि तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस में मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली की पुलिस ने विभव कुमार आज कस्टडी में ले लिया है। कहां पहुंची और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए? तो नदियों का सीना छलनी कर छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर अब लगातार जारी है। ताजा मामला अगर आपको बताएं तो जगदलपुर से निकलकर सामने आया, जहां पर माफिया इस कदर बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली संजय सिंह जी ने, और संजय सिंह जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है, और अगर ऐसा देखा जाए पारिवारिक लोगों को हटा दिया जाए आम आदमी पार्टी में से, तो सुनीता जी के बाद संजय जी ही सबसे बड़े नेता है आम आदमी पार्टी में। उनका मैं आपको कोट अनकोट करके कहना चाहता हूं जो बयान आया 14 मई को, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के घर पर गई थी, वो वहां पर उनके लिए ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। दूसरी जगहों पर सप्लाई किया जा रहा है कि नदी के पार्ट अब रेत निकालने की वजह से हंसने लगे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पोकलेन मशीन निकालकर पहले संजय सिंह के शब्द का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसकी क्लिप भी दिखाऊंगा हाईवा के जरिए। संजय सिंह जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करते हैं, राज्यों तक पहुंचा, उसके बाद अगले दिन जो तस्वीर हमको शर्मसार करने लगी, नदी के लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको दिखते हैं कि विभव कुमार एक मामला है, कई इलाकों में कई ऐसे मामले हैं जो लगातार हर दिन सामने आ रहे हैं। भारी मात्रा में घेराव बना रखा था, तो मीडिया वाले उनसे जब सवाल पूछने गए प्रेस वार्ता में, तब मीडिया वालों के साथ किस प्रकार से अभद्रता, वो भी हमने देखा। ये भी दावा है कि रेत